हेलो डियर स्टूडेंट्स जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स जी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सेकंड पार्ट कराएंगे, यानी कि उसमें एक क्वेश्चन आपका रह चुका था तो आप कराएंगे, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप फोटो खींचो, जो भी डाउट है उसकी फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हमें इसके अंदर निकालना क्या बेटा, यानी कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी द मेन पॉकेट इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो भी बच्चे हैं उनकी जो डेली पॉकेट मनी है उसके अकॉर्डिंग वहां से इसने क्वेश्चन उठाया गया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी बार फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो हमारे पास अब की बार इसने मीन गिवन है ये रहा, अब इसके अंदर ये मीन हमारे पास ये गिवन है, यानी कि अब की बार इसने आंसर हमको दे दिया है, यानी कि हमें निकालना क्या है इसके अंदर एफ निकालना है, यानी कि लुप्त मारा निकालनी है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट लिखने के बाद अब इसको इरेज करता हूं मैं। इरेज करने के बाद जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप मैथ के अंदर देख के लिख सकते हैं इसको, यदि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। तो अब जो भी हमारे पास गिवन है, डेली पॉकेट एलोकेशन, डेली पॉकेट अलाउंस इन किस में बेटा, आर में, यानी कि रुपीज में, ये ना, यानी कि 11 से 13, 13 से 15, 15 से कहां तक है 70, 70 से कहां तक है 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से कहां तक है 25 तक। अब हमारे पास है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4, यानी कि हमें निकालनी है F की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ F। अब की बात जो हमारे पास जो मीन गिवन है बेटा, मीन लिख लेते हैं इसका, नीचे ले लेते हैं मीन 18, मीन हमारे पास कितना गिवन बेटा 18, कितना गिवन 18। तो वही मेथड में पास होते, फिर हम क्या निकालेंगे एक्स आई, क्या निकालेंगे एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क, क्या बोलते हैं इसको क्लास मार्क, या फिर मध्य चिन्ह बोलते हैं इसको, मध्य चिन्ह कैसे निकालते हैं 11 प्लस में 13 इसको ऐड करेंगे। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर ली, 11 प्लस में 13 कितना होगा 24, 24 बाय 2 कितना होगा 12, कितना होगा 12, इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे 28, 13 और 15 कितना 28 होगा, 28 का अपॉन कितना आएगा 14 आएगा, इसी प्रकार से इधर कितना आएगा 16, इधर कितना आएगा 18, इधर कितना आएगा 20, इधर कितना आएगा 22, इधर कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। कैसे आया फिर से देख लेते हैं, 11 प्लस में 13 कितना होगा 24, 24 का हाफ करेंगे कितना होगा 12 आएगा, इसी प्रकार से ऐड करेंगे इसका हाफ करेंगे कितना 14 आएगा, इसका ऐड करेंगे इतना आएगा, ये इतना हमारे पास कितना 24 आ गया, ठीक है राइट। एनी डाउट हो तो पूछ सकते कोई भी। अब इससे आगे मैंने क्या निकाला था, सिग्मा एफ आई की और किसकी एक्स आई की मल्टीप्लाई, इसकी सिग्मा हम क्या निकालेंगे मल्टीप्लाई किसकी एफ आई की और एक्स आई की, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगी 12 प्लस में 7 ना 12 मल्टीप्लाई कितना होगा 7 कितना होगा 84, कितना होगा 84। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कितना होता है 84 होता है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
16144। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी 13 और किसकी 18 की, कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसकी, कितना होगा 54 कैरी कितने की 5, 18 प्लस में 5 कैरी कितने की 34, कितना 34, ठीक है कितना 34। अब 20 मल्टीप्लाई एफ कितना होगा 20f, कितना होगा 20f होगा, कैसे आया 20 की और f की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20f आएगा, ठीक है। अब 5 और 22 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 110, इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता लग गया इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, आगे इसको लिखना है, इतना तो आप कर सकते हैं इजीली। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यानी कि हम करेंगे सिग्मा में क्या चीज, सिग्मा एफ आई और क्या चाहिए मैंने सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब इन सभी का सम, यानी कि इसको अलग से लिखेंगे हम, इसको इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 7, 6, 9, 13, 5 और 4, इसको ऐड करेंगे 7 और 6 13, 13 और 9, 22, 22 और 10, 22 और 10, 32, 32 और 3, 35, 35 और 5, 40 और 4, 44, यानी कि कितना होगा 44 प्लस में एफ, जो क्या एफ हमारे पास ये था ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका सम करेंगे, ठीक है। अब क्या करें, इसको अलग से रखेंगे और बाकी सभी का हमें सम करेंगे इसका, 4, 16 और 4, 16 और 6 कितनी होगी 2, 8, 8, 16 और 4, 20, 20 से 3, 23, 23 से 24, 24 और 9, 24 और 9, 24 और कैरी प्लस में 9 कितना होगा 33 प्लस में कितना 2, 2 कैरी चमक 5 कितना होगा 35, 35 कैरी 5 इधर और कैरी और बाकी नहीं होगी 3। अब 1, 2, 3, 4, 4 और 3, 7 प्लस में ये हमारे पास हो गया 20f हो गया, ठीक। साथ साथ में इसको अपनी पेन का कॉपी उठाओ और इसको राइट डाउन करो, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको लिख लो यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यानी कि हमारे पास एफ आई आ चुका है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई भी आ चुका है हमारे पास। अब हमारे पास जो मीन गिवन है इसका, ठीक है, गिवन है मीन, गिवन है मीन हमारे पास कितना गिवन है 18, कितना गिवन है 18। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मीन बराबर है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू मीन एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का सम हमारे पास कितना है, मीन कितना था पास 18, कितना था 18, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना हमारे पास 752 प्लस में 20 एफ अपॉन में कितना है बेटा 44 प्लस में एफ। अब इसको कुछ भी नहीं करना, हमें निकालनी वैल्यू ऑफ एफ, क्या निकालनी वैल्यू ऑफ एफ, हम क्या करें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई इसमें स्पेस कम है तो इसको साइड में कर लेती है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट थी इसको उठा के बिल्कुल इसको ऊपर ले लेते हैं, 18y1 752 प्लस में 20f
अपॉन मी 44 प्लस में एफ। अब क्या कहने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कहने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आर पार गुना। पहले स्टैटिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई 44 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 792। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 792। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, कितना आएगा 18f इज इक्वल टू 752 प्लस में 20f। क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ इसकी करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम नंबर इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे एफ को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे इसको, इस साइड उठा लाए 18f माइनस में कितना होगा 20f। इसी प्रकार से इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, 752 माइनस में कितना आएगा 792, ये कितना होगा माइनस के 40, ये कितना आएगा माइनस के 2f, माइनस से माइनस ही कैंसिल, f वैल्यू कितने हो जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 40/2, आंसर कितना होगा इसका 20, कितना आंसर आएगा इसका 20 आ गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज थी, मैंने क्वेश्चन सभी आपको करा दिए हैं, आप लोगों के एग्जाम्पल भी निकालने हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों को निकालने हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा करना यानी कि आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनका भी कुछ न कुछ भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू।